जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अर्श फर्श है जिसके जेरे नगी, अर्श फर्श है जिसके जेरे नगी, उसकी काह रियासत पे लाखों सलाम। अभी है जुमे का दिन और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ हरम में जा रहे हैं, जाके वहाँ जुमा अदा करेंगे। ये देखिए मस्जिद बिलाल है और बस चलिए जी चलते हैं हम लोग और जाके वहाँ पे जुमा अदा करते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम से जाएंगे तो ही हम लोग को जगह मिलेगी अंदर मस्जिद के अंदर, वरना फिर बाहर ही पढ़ना पड़ता। तो ये देखिए कितना ज़्यादा माशाल्लाह रश है, सारे नमाजी जा रहे हैं जुमे के लिए। हम लोग बस पार्किंग लगाते हैं और फिर चलते हैं अंदर नमाज के लिए, क्योंकि इस दफ़ा हमारा होटल जो था वो थोड़ा सा दूर था तो हम लोग को गाड़ी पर ही आना पड़ रहा था और गाड़ी पर ही जाना पड़ रहा था। तो इसीलिए अभी हम गाड़ी पर सारा कुछ चेकआउट करके आए हैं होटल से और यहाँ से जुमा अदा करके तो सीधा फिर वापस हमारी जद्दा के लिए वापसी होगी। बस जुमा अदा करेंगे और उसके बाद बैत में सलाम पेश करने फिर वापस जाएँगे हम लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आई थी फैमिली, कैसे आप सब आए हो? आप सब ठीक ठाक हो गए? अभी हम लोग आए हैं जुमा पढ़ने के लिए। चलिए जी अभी चलते हैं अंदर और जुमा अदा करते हैं अपना आज का। माशाल्लाह आज रमज़ान का दूसरा जुम्मा है जो कि हम लोग को मदीना शरीफ में नसीब हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं। माशाल्लाह हाथ ही आगे जा रहे हैं, देखिए सब लोग। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्यारे प्यारे मक्का शरीफ के ब्लॉग भी आप लोगों से मिस ना हो जाएँ। चलिए अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए जी जुम्मा हो चुका है, जुम्मे के बाद आप रश देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा रश है ना, सुभानअल्लाह। जी माय यूट्यूब फैमिली, अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में और अब जा रहे हैं बस जद्दा की तरफ वापस। बच्चों ने पानी मांगा, उनके लिए पानी लेने के लिए गए हैं वैद, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इस टाइम डाउन हो रही है क्योंकि आज हम लोगों ने रोज़ा जो था सहरी के बगैर रखा था। कोई प्लान नहीं था सहरी के बगैर रखने का, लेकिन बेसिकली वैद गए थे उधर इस्लाम पेश करने के लिए, उनकी हाज़िरी की ज़्यारत ज़्यारत का टाइम था उनका, तो वहाँ पे गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत देर लगा दी थी एक्चुअली, बैत ने नहीं देर लगाई, मीन्स के जो भेजती है ना ग्रुप बनाती है उन्होंने बहुत देर लगा दी थी कि इनका ग्रुप इतनी देर बाद उन्होंने बिठाए रखा और इतनी देर बाद इनको लेकर गए।
और उसकी वजह से इनकी हाजिरी का टाइम 3 बजे था। इन्हें ये था कि चलो मैं 4:30 बजे तक हार्डली आ जाऊँगा, 4:30 नहीं तो 4:45 बजे तक आ जाऊँगा, क्योंकि 5:55 पर रोज़ा बंद होना था। तो ये वहाँ से निकले ही 4:30 बजे थे, और 4:30 बजे निकलते निकलते इनको नीचे पार्किंग से, हरम की पार्किंग से निकल रहे हैं, तो उन्होंने सारी बंद कर दी हुई थी पार्किंग। इतना बैड लक ये हुआ कि उन्होंने सारी बंद कर दी हुई थी पार्किंग। इन्होंने मुझे कॉल की फटाफट से कि समर इस टाइम जो तुमने लस्सी बनाई हुई है घर में ना, मैंने लस्सी बना रही थी, हम रात को ही ले आए थे लस्सी ना लबन बकाला से, तो कहते वो तुम फटाफट से पी लो। तो इस तरीके से फिर मैंने वो फटाफट पी लिया, बच्चों का एक कपकेक पड़ा हुआ था वो मैंने खा लिया, बस ये 2-3 घूंट लस्सी के और एक कपकेक से बस रोज़ा रखा था आज। और ऊपर से जब अभी जुमे की नमाज़ पढ़ी है वो फुल धूप में पढ़ी है, तो इस टाइम जो है आँखों की हालत और सर की हालत ना बैंड वजी है, सर इतना शदीद दर्द हो रहा है, इतना स्वेयर हेडेक हो रहा है इस टाइम मुझे के बस। तो ये भी मैंने बैग को कहा था कि एक्स्ट्रा पानी की बोतल लेते हैं ना, लेकिन ठंडी लेकर आना, मैं थोड़ा मुँह धोऊंगी और थोड़ा गार्गल करूंगी तो कुछ बेहतर फील करूंगी, और फिर मैं अब सफ़र में जो है ना मैं आंखें बंद करके लेट के ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इस टाइम। और वैद की भी, वो भी बेचारे कब से इधर ऐसे ही रूहान को लेके फिर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रूहान को उन्होंने हैंडल किया हुआ था माइजा को मैंने, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पर अब उन्होंने ड्राइव भी करनी है, अब मजबूरी है वापस भी जाना है क्योंकि कल इन्होंने ऑफिस जाना है वैद ने सैटरडे को। और चलिए जी बस अभी चलते हैं हम लोग, और देखती हूँ कि ये ब्लॉग कहाँ तक चलता है, अभी एंड में करती हूँ। तो यहाँ से अभी बंद करती हूँ वैद ले आए पानी, तो चलिए जी बस अभी यहाँ से निकलते हैं। जिद्दा पहुंच के सीधा हम लोग ने जमजम टुनाइट पर लैंड किया है, और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि हम लोग को दूसरे रेस्टोरेंट पर आना पड़ा था, ये हम लोग आ चुके थे मक्का होटल में, यहाँ पर आके खाना खाया जमजम टुनाइट से, बस हम लोगों ने इफ्तार की थी, रोज़ा इफ्तार किया था खजूर के साथ पानी के साथ, तो फिर यहाँ पर आ गए क्योंकि वहाँ पर बुकिंग चल रही हुई थी, बुकिंग के बगैर आपको नहीं बैठने दे रहे थे क्योंकि सीट्स ही नहीं थी, वहाँ पर सारा फुल हुआ हुआ था, तो बस वहाँ से हमने इफ्तार करके तो यहाँ पर फटाफट से आ गए थे ताकि खाना खुल के खाएँ। तो अब यहाँ पर बस खाना खा रहे हैं, और मैं इस ब्लॉग को इधर एंड करूंगी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।